शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरेश भट्ट सभागृह में मनपा प्रशासन और महापौर नगर सेवक आदि के बीच आम सभा आयोजित की गई थी, लेकिन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने भाजपा के द्वारा अभद्र व्यवहार का निषेध कर वे वहां से निकल गए। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। डालते हैं हमारे संवाददाता संजय मीरे की रिपोर्ट पर नजर। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम सुरेश भट्ट सभागृह के सामने में जहां पे आम सभा होने जा रही है। हम आपको बता दें कि मनपा के आयुक्त तुकाराम मुंडे और महापौर संदीप जोशी, इनके बीच कई दिनों से कई विषय को लेके तूतू-मैं-मैं जारी है। ऐसे में ये तमाम लोग यहां पर है, आप देख सकते हैं कि अंदर में उनकी मीटिंगें जारी है। और जहां भारतीय जनता पार्टी मुंडे का, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जहां तुकाराम मुंडे का विरोध कर रहे हैं उनके कामकाजों को लेके, तो वही आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है मुंडे साहब के सपोर्ट में आते हैं। आप देख सकते, थोड़ा बैठ कीजिए। अभी अभी हम आपको बता दें कि इस समय में कुछ युवक लोग अंदर में घुस चुके हैं, पुलिस उनको रोकथाम करते हुए नजर आ रही है, पुलिस पूरी रोकथाम करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ से आम आदमी पार्टी के भी फिर कार्यकर्ता भिड़ चुके हैं, कांग्रेस यूथ के भी कार्यकर्ता। मुंडे साहब की गाड़ी बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। आप थोड़ा देखिए कि मुंडे साहब की मीटिंग से निकले, मुंडे साहब आ रहे हैं, मुंडे साहब को सपोर्ट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस भी वहां पे पहुंच चुकी है, पुलिस इन लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए पूरी तरह से कामकाज कर रही है। मनपा के आयुक्त तुकाराम मुंडे इस स्पॉट से निकल चुके हैं, लेकिन मुंडे के समर्थन में जो लोग है वो वहां पे दिखाई दे रहे हैं, ताली बजाकर ये लोग तुकाराम मुंडे का सपोर्ट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से हम बात करना चाहेंगे। इस समय में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि तुकाराम मुंडे के सपोर्ट में जो कामकाज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? तो बहुत दिनों के बाद नागपुर में इतना अच्छा म्यूनिसिपल कमिश्नर मिला है जो कि ईमानदार है, और उन्होंने जो भी आज तक का काम किया है आने के बाद में, तो एनसीआर विपक्ष अपना सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष वो दोनों के शायद बेमानी के धंधे शायद कम हो रहे, जिसके कारण उनके खिलाफ आ गया कि आगे कुछ ना कुछ रोज पेपर में चल रहा है, महापौर इत्यादि बयान जो दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुंडे जी कायम रहे नागपुर में, बस इसलिए हम लोग समर्थन में आए कि उनके ऊपर अन्याय ना होते हुए उनका ट्रांसफर अगर ना किया जाए, इसलिए हम लोग सपोर्ट में आए हुए। क्या आपको लगता है कि मुंडे साहब आने से कुछ शहर में क्रांति हो चुकी है? अभी जब से आए उसके बाद में कोरोना का जो ये हुआ है, तो उनका काम तो उतना शायद हो नहीं पाया है जो वो करना चाहते हुए, लेकिन कोरोना में उन्होंने जिस ढंग से लॉकडाउन में वगैरह जो कंटेनमेंट्स वगैरह बनाए है, उसके कारण काफ़ी हद तक कि मुझे तो लगता है कि नागपुर की स्थिति अच्छी रही है। तो इसलिए ये लोग पूरी तरह से तुकाराम मुंडे ने सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शहर के नागरिकों द्वारा किया गया सपोर्ट और जो मनपा के अंदर भी जो पदाधिकारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के हो, आमदार से लेके नगर सेवक से लेके जो तुकाराम मुंडे का बार बार विरोध कर रहे हैं, आखिरकार इसमें जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि शहर को अच्छा प्रशासन चाहिए और शहर की जनता यही चाहती है। तुकाराम भट्ट सभागृह से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।